दोस्तों, जब आपके माँ बाप के पास बहुत पैसा होता है तो आपके माँ बाप आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह का कुछ करा है महेश भट्ट ने अपनी बेटी आलिया भट्ट के लिए, उनको सड़क टू में कास्ट कर। तो आज हम लोग इस वीडियो में रिव्यू करेंगे सड़क टू के ट्रेलर का और कोशिश करेंगे उसका ब्रेकडाउन करने का, उसकी स्टोरी प्रेडिक्ट करने का। मैं आशीष सैनी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस प्रोडक्शन की एक नई वीडियो में। अगर हम लोग सबसे पहले इस मूवी कुछ मेन मेन बातों की बात करें तो उसके तो इस मूवी के डायरेक्टर है महेश भट्ट, इसको प्रोड्यूस करा मुकेश भट्ट ने, इसके राइटर है महेश भट्ट और स्मिता सेन गुप्ता। इसके जो मुख्य लीड में हैं आपको देखने को मिलेंगे आलिया भट्ट, संजय दत्त, आदित्य रॉय कपूर और पूजा भट्ट। तो ये इसकी कहानी है। ये मूवी 28 अगस्त को आपको हॉटस्टार पे देखने को मिलेगी। 28 अगस्त का प्रीमियर हो रहा है हॉटस्टार इंडिया पे, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, सॉरी। तो अगर हम लोग इस मूवी के प्लॉट की बात करें तो ये मूवी सीक्वल है 30 साल पहला ही महेश भट्ट की मूवी सड़क का। तो इसमें स्टार्टिंग में आपको ट्रेलर में जो सीन दिखता है वही जिसमें संजय दत्त के बहुत लंबे लंबे बाल हैं, पूजा भट्ट के साथ हैं, तो उस तरह का इसका ट्रेलर शुरू होता है। स्टार्टिंग वहीं से दिखाते हैं, उसके बाद आगे संजय दत्त को उसमें बहुत बूढ़ा कर दिया जाता है, बूढ़े दिखाए जाते हैं। तो उसके में पूजा भट्ट उन मरी भी दिखाई जाती है, जिसमें तस्वीर है, तस्वीरें दिखाई जाती है। तो वो है। अब अगर हम लोग इस मूवी के कुछ और उसकी बात करें तो इस मूवी का प्लॉट क्राइम थ्रिलर है। और अगर हम लोग इस मूवी की कहानी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें तो ये कहानी है एक ड्राइवर की जिसकी बीवी मर चुकी है और वो एक ट्रैवल एजेंट था, पहले ड्राइविंग करता था। उसकी बीवी किसी एक बुकिंग करके गई है, जो बुकिंग वो जो ड्राइवर है वो चाहे ना चाहे पूरी करता है। जिसकी जो बुकिंग करने वाला बंदा था उसमें वो आलिया भट्ट थी। तो वो आलिया भट्ट से आके कहती है संजय दत्त को कि भाई मुझे आप मैंने बुकिंग करी है, मुझे कैलाश जाना। तो मना कर देता है कि मैंने बिजनेस बंद कर दिया, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो वो बिजनेस क्यों बंद करता है, एक बड़ी बात है, क्योंकि मुझे लगता है जिसमें क्योंकि उसमें उसका कोई सड़क हादसा दिखाया गया जिसमें पूजा भट्ट मर चुकी है। तो उस सड़क हादसे की वजह से वो ड्राइविंग नहीं करना चाहता, पर वो बुकिंग कर चुकी है पूजा भट्ट, तो इसलिए वो उस पूजा भट्ट की वजह से वो वापस ड्राइविंग शुरू करता है। उसे लेके जाता है आलिया भट्ट को, आलिया भट्ट जाती है अपने बॉयफ्रेंड, शायद अपने प्रेमी से मिलने, जो एक जेल में भर्ती है, जेल में कैद है, कैदी है, उससे उसको लेने जाती है कैलाश। दोनों मिलते हैं, दोनों में प्यार होता है, ये सब कुछ दिखाया गया साथ में। एक इसके अलावा इसमें तीन स्टोरी चलती होती है, एक है आपका संजय दत्त और पूजा भट्ट की, एक है आलिया भट्ट की और आदित्य रॉय कपूर की, एक है एक इसमें कोई बाबाओं फेक बाबाओं के ऊपर कुछ बनाया गया, बताया गया है कि वो कैसे लोगों को मतलब उनको फंसाते हैं, उनकी वजह से हत्या होती है, कुछ उस तरह का भी इसमें आपको सीन देखने को मिलेगा। तो इस तरह एक साइड साइड तीन स्टोरी आपको एक पूरी मूवी में देखने को मिलेगी, जो तीन स्टोरी आपस में इस मूवी में जुड़ी हुई दिखाई गई है। अगर मैं और इस ट्रेलर के बारे में डीप जाने की कोशिश करूँ तो संजय दत्त की एक्टिंग काफ़ी अच्छी दिखाई गई है, गाने मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे होने वाले हैं इस मूवी के। अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी शायद थोड़ी अच्छी आपको देखने को मिले। बाकी अगर आप नेपोटिज्म के बारे में बात करना चाहें तो नेपोटिज्म इसमें अच्छा खासा भरा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे ही बहुत सारे लोग नेपोटिज्म नेपोटिज्म चिल्ला रहे हैं। अरे भाई, जिसके बाप के पास पैसा है वो अपने बेटे को तो बेटी बेटी के ऊपर तो लगाएगा ही, वो किसके ऊपर लगाएगा, उसने कमाया अपने बेटे बच्चों के लिए तो वो लगाएगा जरूर। अब आपको लग रहा है कि नेपोटिज्म नेपोटिज्म हो रहा है, तो कोई बात नहीं, कर रहा है वो नेपोटिज्म। अगर कल को आप ही हो, आप अपने बच्चे के ऊपर पैसा लगाते हो, उसका करियर बनाते हो, तो उसे नेपोटिज्म कहते हैं, मैं तो लगता ही नेपोटिज्म कहते हैं। हाँ, अगर किसी के अंदर टैलेंट है और वो बनना चाहता तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी, उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, तब उसे वो मिलेगा। तो वो तो सबकी ये तो पीछे से चल गया एक प्रथा है कि भाई जिसके बाप के पास पैसा है तो उसके बच्चे वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेगा, पैसा खर्च करेगा, इसी जैसे सिंपल सा फंडा। वापिस हम लोग इस मूवी पर आते हैं। मूवी के गाने अच्छे हैं, संजय दत्त की एक्टिंग आपको देखने को मिलेगी, उसके अलावा को काफ़ी सारे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। अगर हम टोटल कास्ट की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त देखने को मिलेंगे, पूजा भट्ट देखने को मिलेंगे, जो खाली पोस्टर है पूजा भट्ट का एक वही देखने को मिलेगा। उसके अलावा पूजा भट्ट कहीं आपको एक्टिंग करती है ट्रेलर में तो दिखाई दी नहीं है, शायद कुछ एक्सीडेंट का सीन होगा जिसमें वो दिखाई दे तो बात अलग है। आलिया भट्ट है देखने को, आदित्य रॉय कपूर देखने को मिलेंगे, मरंक देपांच देश पांडे देखने को मिलेंगे, जीशु सेन गुप्ता देखने को मिलेंगे, प्रियंका बोस देखने को मिलेंगे, मोहन कपूर देखने को मिलेंगे, अक्षय आनंद देखने को मिलेंगे, अब्दुल कादिर अमीन देखने को मिलेंगे। तो ये लोग आपको इसमें मूवी में ट्रेलर मूवी में देखने को मिलेंगे, इसकी पूरी स्टार कास्ट है। तो देखते हैं मूवी कैसी रहती है, 28 अगस्त को आएगी तो हम लोग इसका रिव्यू जरूर लेकर आएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।